नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्लोबल हेडलाइन न्यूज और मैं हूं आपके साथ साक्षी जैन। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर, लेकिन सुपरफास्ट अंदाज में। उच्चतम न्यायालय मुंबई के बहुचर्चित शीना बोरा हत्याकांड मामले में मुख्य आरोपी इंद्राणी मुखर्जी की जमानत याचिका पर 3 मार्च को सुनवाई के लिए सहमति हो गई है। झारखंड में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना से 180 मरीज ठीक हुए हैं, जबकि इसके 93 नए मरीज मिले हैं। छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले के धुर नक्सल प्रभावित ताड़ोपी इलाके में पुलिस और नक्सलियों के बीच भीषण मुठभेड़ में कई नक्सलियों के मारे जाने का दावा किया जा रहा है। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस की ओर से चलाए जा रहे घर घर चलो अभियान को लेकर पार्टी की प्रदेश इकाई के अध्यक्ष कमलनाथ पर तंज कसते हुए आज कहा कि वह घर घर चलो नहीं बल्कि घर बैठाओ अभियान चला रहे हैं। 10 पुरुषों और 7 महिलाओं वाली भारतीय मुक्केबाजी टीम शुक्रवार को 18 से 28 फरवरी तक होने वाले 73वें स्ट्रेंजा मेमोरियल टूर्नामेंट में हिस्सा लेने के लिए बुल्गारिया के लिए रवाना हो गई। वैश्विक बाजार के मिले जुले रुख के बीच स्थानीय स्तर पर रिलायंस, महिंद्रा, ITC, NTPC और ICICI समेत कई दिग्गज कंपनियों में हुई बिकवाली से शेयर बाजार आज लगातार 30वें दिन भी गिरावट पर रहा। महाराष्ट्र के मराठवाड़ा क्षेत्र में कोरोना वायरस महामारी के 158 नए मामले दर्ज किए गए और इस दौरान एक व्यक्ति की इस बीमारी से मौत हो गई। देश में कोरोना वायरस महामारी के लगातार घटते मामलों के बीच बीते 24 घंटों में 66,254 लोगों ने कोरोना को मात दे दी, जिससे संक्रमण मुक्त होने वाले की कुल संख्या 4.19 करोड़ से अधिक हो गई। राजस्थान के सीकर में आज सुबह भूकंप के झटके महसूस किए गए। मध्य प्रदेश के इंदौर में एशिया के सबसे बड़े बायो CNG प्लांट के कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लोकार्पण के पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस उपलब्धि पर इंदौर को बधाई दी। यूक्रेन में फंसे भारतीय स्टूडेंट्स व अन्य नागरिकों को वहां से निकलने की कवायद तेज हो गई है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय की तरफ से यूक्रेन के लिए फ्लाइट्स की संख्या पर लगी पाबंदी हटाने के बाद शुक्रवार को एयर इंडिया ने 3 फ्लाइट ऑपरेट करने की घोषणा की है। यह फ्लाइट्स 22, 24 और 26 फरवरी को भारत से यूक्रेन के बोरिसपल इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बीच ऑपरेट की जाएगी।